दोस्तों सबसे पहले एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देना है, ना कि किसी भी देश की आर्मी को नीचा दिखाना। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि क्यों यूएसए आर्मी ज़्यादा पावरफुल है इंडियन आर्मी के मामले में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक उसी प्रकार अमेरिका की आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी मानी जाती है। किसी भी देश की सुरक्षा उस देश के आर्मी के ऊपर होती है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो या फिर कोई दूसरी कंट्री हो। जिस देश की आर्मी कमजोर हो उस देश पर खतरा मंडराता रहता है। हाल फिलहाल में हम सब ने देखा कि अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ। अमेरिकन आर्मी ने अपना दबदबा शुरू से ही बना के रखा है। आप सब ने कभी न कभी पढ़ा या सुना जरूर होगा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के घटने के बारे में, जिसमें अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया 6 और 9 अगस्त 1945 को, जिसमें जापान में लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हुए। और तो और आने वाले बहुत सालों तक उस परमाणु बम का रेडिएशन वहां देखने को मिला। तब से लेके आज तक पूरे दुनिया में अमेरिका का नाम का दबदबा है। दोस्तों अमेरिका की कुल पॉपुलेशन 332 मिलियन है, जिसमें एक्टिव आर्मी पर्सन की संख्या 13,88,100 के आसपास है और रिजर्व आर्मी पर्सन की संख्या 8,44,950 है। यूएसए की डिफेंस बजट 2021 के अनुसार $753 बिलियन था। अब हम वही बात करें हमारे देश यानी भारत की, तो हमारे भारत में एक्टिव आर्मी पर्सन की संख्या 14,55,550 के पास है और रिजर्व आर्मी पर्सन की संख्या बात करें तो 11,55,000 है। इंडियन आर्मी के डिफेंस बजट $64 बिलियन है। कहां यूएसए आर्मी की डिफेंस बजट 753 बिलियन और कहां $64 बिलियन। यही सब चीजें एक देश को एक देश से ताकतवर और एक देश को एक देश से कमजोर बनाती है। अगर बात करें दोनों देशों के कुछ हथियारों के बारे में, जैसे टैंक्स, अमेरिका के पास 6,100 है और इंडिया के पास अराउंड 4,300 है। आर्मोरेड फाइटिंग व्हीकल की बात करें तो यूएसए के पास 40,000 है और इंडिया के पास 8,700 के आसपास है। सेल्फ प्रोपेल्ड गन की बात करें तो अमेरिका के पास 1500 है और इंडिया के पास 300 है। अगर आर्टिलरी की बात करें तो अमेरिका के पास 1,340 है और इंडिया के पास 7,414। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यूएसए के पास 1,331 है और वहीं दूसरी ओर इंडिया के पास 300 है। ये सब चीजें ही अमेरिकन आर्मी को भारत से ज्यादा पावरफुल बनाती है। दोस्तों एक नज़र हम दोनों देशों के एयरफोर्स पे डालते हैं। अमेरिकन एयरफोर्स के पास टोटल 13,264 एयरक्राफ्ट है, जिसमें नए टेक्नोलॉजी के साथ F-22A रैप्टर है, F-16 फाइटिंग फैल्कन, F-15E स्ट्राइक ईगल, F-35A लाइटिंग 2 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल है। और वहीं दूसरी ओर बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 1,850 एयरक्राफ्ट है नए टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें हम सबके चहेता एयरक्राफ्ट जिसे आप जानते हैं रफाल और सुखवी 13, MiG-29, Mirage 2000 जैसे लड़ाकू विमान शामिल है। अब हमने एयरफोर्स और आर्मी की बात कर ली तो लगे हाथ नेवी की भी बात कर लेते हैं। अगर हम नेवी की बात करें तो यूएस नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर 11 है, 67 डिस्ट्रॉयर्स है, 22 क्रूजर्स है, 75 सबमरीन, 11 माइन वॉरफेयर शिप है और 55 पेट्रोल शिप है। और वहीं दूसरी ओर भारत की बात करें तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, क्रूजर्स तो है ही नहीं, डिस्ट्रॉयर 11 है, सबमरीन 15, माइन वॉरफेयर शिप 7 है और पेट्रोल शिप 72 है। दोस्तों अगर न्यूक्लियर वॉरहेड की बात करें तो अमेरिका के पास 6,800 है और भारत के पास 120 है। इन सब को मिलाकर देखा जाए तो यूएसए की आर्मी भारत से ज्यादा पावरफुल लगती है। अमेरिकन आर्मी बहुत ही एडवांस वेपन और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम करती है, जिस वजह से अमेरिका ज्यादा पावरफुल है। मगर एक बात बता दूं, किसी भी देश की आर्मी कितनी भी एडवांस वेपन और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ क्यों ना हो, मगर उस देश की आर्मी के अंदर अगर साहस, वीरता और कॉन्फिडेंस ना हो तो वो एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस वेपन किसी भी काम का नहीं है। और हम सब जानते हैं कि हमारी भारतीय सेना किसी से कम नहीं है। भले ही उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस वेपन ना हो, फिर भी दुश्मन को पीछे खदेड़ने में आगे रहती है। भारतीय सेना का अदम्य साहस और वीरता का लोहा पूरा दुनिया मानता है। इस चीज से आप भी वाकिफ हैं और हम भी वाकिफ हैं। हमारी भारतीय सेना का कोई जोड़ नहीं, कोई मुकाबला नहीं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। इस वीडियो का मोटो दोनों देशों की सेनाओं के बारे में बताना था। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।